हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जिशान आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल जान में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज मैं एस्ट्रोजेनिक सिरप का रिव्यू करने जा रहा हूं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, पाचन संबंधी जितने भी रोग इसे ठीक करने में मदद करती है। इस सिंथेटिक एंजाइम होने की वजह से वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करती है। ये एस्ट्रो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का प्रोडक्ट है। ये एस्ट्रो फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो डाइस्टेट है 50 मिलीग्राम और पेप्सिन है 10 मिलीग्राम। इस वीडियो को बिना स्किप के इन तक देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि एस्ट्रोजेनिक सिरप किन किन लोगों में यूज़ किया जा सकता है, इसके परफेक्ट डोज क्या है, खाने का तरीका सही तरीका क्या है, और इसके खाने से शरीर पे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इसकी प्राइस कितनी है, और ड्रग्स इंजेक्शन क्या है, सेम टाइम पे कौन सी दवा बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, और किन रोगियों को यूज़ करते समय डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, आपके हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। किसी भी रोग के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। एस्ट्रोजेनिक सिरप कभी यूज़ किया है तो किन रोगों के लिए यूज़ किया है, कितने दिनों तक यूज़ किया है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। अब चलिए जानते हैं एस्ट्रोजेनिक सिरप किन किन रोगों में यूज़ किया सकता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एस्ट्रोजेनिक सिरप किन किन रोगों में यूज़ किया सकता है। इनडाइजेशन, खाना अच्छी तरह से नहीं पच पाता है और पेट भारी भारी लगता है, खट्टी दिखा आती है, उल्टी लगता है, जीभ मतलता है, इन सारे रोगों में एस्ट्रोजेनिक सिरप का बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखता है। फुलनेस स्टोमक, पेट का भारीपन रहना, गैस बनना, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्टार्च के डाइजेशन में और पेट की पुरानी बीमारी हो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा गया है। ये डायपेप्सिया में स्टमक के ऊपर हिस्से में पेन होना, इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा गया है। सूजन में, इन सारे रोगों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है एस्ट्रोजेनिक सिरप का। इसकी डोज की बात कर ले तो ये 5 ml सुबह, 5 ml शाम डॉक्टर के सलाह के अनुसार यूज़ करना चाहिए। और इसकी प्राइस की बात कर ले तो 95 रुपये की इसकी 200 ml की बॉटल आती है। थोड़ा मेडिकल स्टोर से बार्गेनिंग कर ले तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे सकता है। किन रोगियों को एस्ट्रोजेनिक सिरप का बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम है, ऐसे रोगियों को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। जो अल्कोहल लेते हैं इसका प्रतिकारक है, इसको यूज करना उनका घातक परिणाम हो सकता है। और स्टेरॉइड के साथ इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। किडनी डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, लीवर डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, सर्जरी हुई हो, ऐसे रोगियों को बिना डॉक्टर के एडवाइस के इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। एस्ट्रोजेनिक के साथ कौन सी दवा बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, एकारबोस यूज नहीं कर सकते हैं, मेट्रोनाजोल यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोजेनिक की साइड इफेक्ट क्या है, इसके यूज़ करने शरीर पे क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। ब्लैक स्टूल हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिन पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, कब्ज हो सकता है, दस्त हो सकता है, और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं एलर्जी रिएक्शन की वजह से। तो ऐसा कोई भी साइन सिम्टम दिखाई देता है दवा को तुरंत स्टॉप कर दे, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा का यूज ना करें, आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिए, जानकारी अन्य लोगों तक पहुँच सके। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।